क्या आप कभी प्लास्टिक बोतल को बिना काटे छाटे, बिना पेंट किए हुए या फिर बिना किसी तरह का उसमें कलाकारी करते हुए हैंगिंग प्लांटर बनाए हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका, प्रियंकाज होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। आज की वीडियो बहुत छोटी है फ्रेंड, पूरा देखिएगा जरूर। तो यहाँ पर ना मैं प्लास्टिक बोतल ली हूँ और इसका जो रैपर है वो पानी वाला, उसको मैं यहाँ पर हटा दूंगी। और सिंपल सा प्लास्टिक बोतल है, कोई बहुत ही अच्छा नहीं है, कोई बहुत सा बेकार भी नहीं है। जो सिंपल पानी वाला बोतल होता है ना, वही बोतल है। तो इसका रैपर मैं यहाँ पर हटा देती हूँ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने पूरी बोतल में बना लिए हैं होल। आप पेचकस को गर्म करके ना इस तरीके से पूरी बोतल में आप होल बना सकते हैं। कुछ ही सेकंड में बस बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ली हूँ एक टूटी हुई हैंगर। हम सभी के घर में इस तरीके का हैंगर तो टूटता ही रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी भी टूटे हुए हैंगर को फेंकने की गलती ना करें। एक टूटे हुए हैंगर और एक प्लास्टिक की बोतल से यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ अमेजिंग सा हैंगिंग प्लांटर, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और सालों साल चलता रहता है, कभी खराब भी नहीं होता है। यह जो कैप था ना, उसको भी मैं नहीं फेंकी हूँ और इसको कैप को होल कर दी हूँ और इसको कैप के साथ इसमें लगा देती हूँ, बोतल में अटैच कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया है एक टूटे हुए हैंगर में और हैंगर पूरी तरीके से टूट गया है। लेकिन अभी मैं हैंगर के साथ कुछ नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर ली हूँ खूब सारा कटिंग, वो भी वंडरिंग जू का। वंडरिंग जू से आज मैं इसमें कमाल करने वाली हूँ, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत रहेगा। जब तक आप बताइएगा नहीं ना, जब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये इस तरीके से बना हुआ हैंगिंग प्लांटर है। तो वंडरिंग जू की जो टिप वाली कटिंग होती है ना, वही वाली सारी कटिंग मैं यहाँ इकट्ठा की हूँ और जितनी होल बनाई हूँ ना, सभी के अंदर इस तरीके से मैं कटिंग को डाल देती हूँ। क्योंकि पास पास में ही होल बनाई हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, दूर दूर नहीं बनाना है। थोड़ी दूर दूर पे ही, एक से 1.5 इंच की दूरी पे ही सारे होल को बना लीजिए ना, तो बहुत ही खूबसूरत सा बनकर ये तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जितनी भी कटिंग ली हूँ मैं, सभी को इसके अंदर डालती हूँ। इस तरीके से पहले नीचे के एरिया में पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर के एरिया में कवर करेंगे। तो देखिए आप, आधा मैं अभी डाली हूँ, ऊपर के एरिया में अभी खाली है पूरा। और यहाँ पर ढक्कन अब मैं खोल देती हूँ। अब इसमें जाने वाली है मिट्टी। तो मिट्टी बनाते किस तरीके का है, तो इसके लिए मैं जो मिट्टी बनाई हूँ ना, 50% कोकोपीट डाली हूँ और 50% गार्डन सॉइल डाली हूँ। क्योंकि ये बोतल है और मुझे हैंगिंग प्लांटर बनाना है और ये टूटी हुई हैंगर भी है, तो बहुत ज्यादा इसमें लोड पड़ेगा ना, तो ये फिर से बार बार टूट जाएगी और ये लोड सह नहीं पाएगा। तो 50-50% से मैं यहाँ पर ऐड कर दी हूँ 50% कोकोपीट और 50% गार्डन सॉइल, और सभी को मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल देती हूँ। क्योंकि ये लाइट वेट प्लांटर रहेगा और इसकी ड्रेनेज भी बहुत ही अच्छी होगी। तो इस तरीके से मिट्टी ना मैं बोतल में जितनी दूर कटिंग लगाई हूँ होल में डालकर, उतनी दूर मिट्टी में अच्छी तरीके से इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए, जहां तक मैं कटिंग लगाई थी वहां तक मिट्टी में अच्छे तरीके से डाल दी हूँ और उसके ऊपर फिर से जो होल बचा था उसके में भी सारी कटिंग को मैं यहाँ पर फटाफट डाल देती हूँ। जितनी होल बनाई थी ना, सभी के अंदर डालना बहुत ही जरूरी है। तो पूरे होल में इस तरीके से सारी वंडरिंग जू की कटिंग डाली हूँ और सारी ध्यान रखिएगा कि मैं सारी टिप वाली कटिंग ली हूँ। तो इस तरह से फटाफट मैं यहाँ पर डालकर तैयार कर देती हूँ। तो देखिए, पूरी की कटिंग मैं डाल दी हूँ और जितनी मिट्टी बची थी भरने को, पूरी मैं बोतल में भर देती हूँ मिट्टी। क्योंकि ये मिट्टी ना लाइट वेट होती है और बहुत ही अच्छा होता है हैंगिंग प्लांटर के लिए। और जो कोकोपीट होती है वो पानी को एब्जॉर्ब भी करती है, जल्दी सूखती भी नहीं है, तो हैंगिंग प्लांटर के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से मैं पूरी बोतल को यहाँ पर कवर कर दी हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो टूटा हुआ हैंगर था ना, उसको गर्म कर लिए हैं और उसको अटैच कर दिए हैं अच्छी तरीके से। तो जो गर्म होने के बाद वायर अच्छी तरीके से प्लास्टिक में चिपक गया है और वो खराब भी नहीं होगा। अब बारी आती है इसमें पहली वाटरिंग की। तो पहली पानी जो होती है बहुत ही अच्छे तरीके से डालना होता है, क्योंकि पूरी मिट्टी को गीला करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मिट्टी बहुत ही सूखी हुई थी ना, तो पूरी मिट्टी जब हम गीला कर देंगे तो वो जल्दी ड्राई नहीं होगी, क्योंकि अंदर हमने कोकोपीट डाला है। तो एक बड़ा सा बर्तन लिए हैं और बर्तन के अंदर पूरी तरीके से
बोतल को रख कर उसको पानी से भर दिए हैं अच्छी तरीके से। तो जितना भी पानी है ना ये बोतल एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि होल इसमें बहुत सारा बनी हुई है। थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि ये अच्छी तरीके से गीले हो गए हैं बस कुछ ही सेकेंड में। और देखिए गीला हो गया है ना, और इसको मैं यहाँ पर हैंग कर दी हूँ। हैंग करने के बाद इसमें अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए क्योंकि जो ऊपर वाला लीफ था ना उस पे पानी नहीं गई थी, बस अंदर अंदर मिट्टी गीली हुई थी। तो इस तरीके से ऊपर भी अच्छे तरीके से स्प्रे कर देते हैं और 1 से 2 दिन में ही देखिएगा कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गया है। ना वंडरिंग जू को गर्मी का इंतजार होता है, ना सर्दी का, ना ही बारिश के मौसम का। ये फटाफट से 2 से 3 दिन में ही कटिंग लग जाती है। तो 2 से 3 दिन में कटिंग कौन कौन सी लगती है उसका वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर की हूँ, आप देखिएगा जरूर। और ये देखिए जो फुटबॉल प्लांटर वंडरिंग जू का बनाई थी ना वो कितने अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अपने गार्डन में हिलता हुआ नाचता हुआ ये फुटबॉल प्लांटर बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं तो ये फुटबॉल प्लांटर आप बनाइएगा जरूर क्योंकि आपके गार्डन को ये 4 चांद लगा देता है। और ये जो कोकोनट क्वायर का था वो भी बनाई थी, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।